हेलो दोस्तों, इजी फूड किचन में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं गोंद पाक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे आप गोंद की पंजरी बोल सकते हैं, गोंद की बर्फ़ी बोल सकते हैं, गोंद पाक बोल सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। सर्दियों में हमें गोंद खाना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। और भी मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ जिससे इसके हेल्थ बेनिफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप इसे देखिए, बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए फिर बनाते हैं। मैंने एक पैन को गैस पर रखा है। मैं अब कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने वाली हूँ, तो जो भी आप ड्राई फ्रूट्स चाहें वो ले सकते हैं। मैंने काजू बादाम और अखरोट लिए हैं। ये मैंने 3/4 कटोरी देसी घी लिया है। आप एक कटोरी से ही सारी मेजरमेंट्स ले लें तो आपको नापने तोलने की दिक्कत नहीं होगी। मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। घी के मेल्ट होने पर हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से इनका टेस्ट काफी अच्छा आएगा। इसे हम दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। सेम पैन में अब मैंने लिया है आधा नारियल। ये सूखा नारियल है जिसे हम खोपरा भी बोलते हैं। आधा नारियल, इसे भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी नारियल में घी होता है। और आधा नारियल मेरे पास पहले से था जिसे मैंने भूनकर कस रखा था। तो पूरा एक नारियल समझ लीजिए आपको लेना है। तो इसे भी मैंने भून लिया है और दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने डालना है अब आधा कटोरी, ये देख लीजिए, मैंने आधा कटोरी एडिबल गम जिसे हम गोंद बोलते हैं, इसे मैंने भूनना है। इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। ये फूल जाएंगे और इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये भून चुके हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना करें, इसको जलाना नहीं है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम के बीच ही रखना है, लगातार चलाते रहना है। गोंद की जो तासीर है वो काफ़ी गर्म होती है और ये हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। हड्डियों को ये बहुत मजबूत बनाता है। तासीर गर्म होने की वजह से हमें स्पेशली इसको विंटर्स में खाना चाहिए। किसी भी रूप में आप इसे खा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूर खाना चाहिए। ये हर एज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये देखिए, ये भी भुन चुका है और लाइट ब्राउन से इसका कलर आया है। तो सेम ऐसा ही कलर आना चाहिए। इसको भूनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसे भी मैं तीसरी किसी प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने गोंद, ड्राई फ्रूट्स और नारियल को भून लिया है। अब हम इन्हें अलग अलग मिक्सी कर लेंगे। और देख सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच घी मेरे पास बचा है, तो मैं 1 से 1.5 चम्मच घी इसमें डाल रही हूँ। तो ये समझ लीजिए 3/4 कटोरी घी हमारा लग चुका है और इसमें मैं 1/4 घी और डालने वाली हूँ, तो टोटल 1 कटोरी घी इसमें लग जाता है। तो 1 कटोरी घी हो गया, 1 नारियल हो गया और 1 कटोरी ही मैंने आटा लिया है। सिर्फ मैंने गोंद डाला है 1/2 कटोरी, और वो भी अगर आप चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से 1 कटोरी कर सकते हैं। मैं इसी मेजरमेंट्स के साथ बनाती हूँ, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अब हमें इस आटे को लो फ्लेम पर हल्का हल्का चलाते हुए भूनना है। गैस को हमें हाई नहीं रखना है, क्योंकि जितना आप कम फ्लेम पर इसे भूनेंगे उतनी ही अच्छी इसकी खुशबू आएगी, इसका टेक्सचर आएगा और टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच इलायची पाउडर जिसे मैंने खुद ही कूटा है, और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च की क्वांटिटी आप थोड़ी सी घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट अच्छा ही आएगा। अब मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड किया है। तो जो भी क्वांटिटी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिए। बीच में हमने एक थाली को ग्रीस करना है, तो मैंने देसी घी से इसे ग्रीस कर लिया है। इसमें हम पंजरी को जमाने वाले हैं। इसे हमें लगातार चलाना है और अब मुझे काफ़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ नारियल और जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीसे थे और जो तीसरी चीज़ हमने पीसी थी गोंद। तो तीनों चीज़ों को हमने अलग अलग पीस लिया था, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अभी हमने गैस बंद नहीं की है। तो
एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो सारी चीज़ें गाइज यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। इस स्टेज पर मैं गैस को बंद कर रही हूँ। तो गैस को बंद करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी शक्कर। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। मैं शक्कर डाल रही हूँ और जो ये शक्कर है वो मैंने एक कटोरी ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इससे सवा कटोरी भी कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट पर है। तो शक्कर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब हम इसे एक प्लेट में डाल लेते हैं। इसको इवनली सारे में स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए किस तरह से मैं इसको प्लेन कर रही हूँ। हल्का सा मैंने इसके ऊपर देसी घी स्प्रेड किया है जिससे ये ऊपर से सूखे नहीं। हल्के गरम को ही मैं नाइफ से कट कर रही हूँ। अब इसे आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं। आधा घंटा हो चुका है, चलिए इसके पीसेस काट लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी पंजरी बनी है। तो मैं इसे साइड वाली प्लेट में रख रही हूँ। तो हम सारे पीसेस इसी तरह से निकाल कर अलग कर लेंगे। गाइस ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये बहुत हार्ड नहीं बनती। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। पर इसमें चीनी मत डालिए क्योंकि हम एक हेल्दी चीज़ बना रहे हैं और चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं रहती। सर्दियों में आप इसे बनाएं और बच्चों को दें, बड़ों को दें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करना मत भूलें। मैं आपके हर क्वेरीज का, हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।